हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपन एंड यू आर वाचिंग टीपॉइंट एकेडमी। सो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले एक नई पोएम जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। और ये जो पोएम है किसने लिखी है, मतलब इसके ऑथर कौन है, इसके पोएट कौन है, उनका नाम है W.W.E. रॉस। क्या नाम है गाइस? W.W.E. रॉस। समझ में आ गया? बिल्कुल। सो चलिए गाइस, अब इस पोएम को शुरू करते हैं, बट सबसे पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा पोएट के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोएम है द स्नेक ट्राइंग, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है W.W.E. रॉस। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1894, ठीक है। एंड ही वॉज पास्ड अवे 26 अगस्त 1966। He was a poet and a geophysicist. ये जो W.W.E. रॉस है ये एक पोइट भी थे और एक जियोफिजिसिस्ट भी थे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इन द पोएम, इस पोएम में द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। जो पोइट है, जो W.W.E. रॉस है, वो ये कहना चाहते हैं कि सारे सांप हानिकारक नहीं होते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे सांप हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं। ऑल्दो वैसे तो सारे सांप हानिकारक होते हैं, बट कुछ ऐसे सांप होते हैं जो हानिकारक नहीं होते, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम इस पोएम को शुरू करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इस पोएम में 3 स्टेंजाज हैं और अच्छी तरीके से हम एक एक स्टेंजा को समझेंगे। सो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। चलिए गाइज, अब इस पोएम को शुरू करते हैं जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। सबसे पहले मैं इस स्टेंजा को रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले रीड करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि एक स्नेक है। क्या है? एक स्नेक है जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका पीछा एक इंसान कर रहा है। और वो इंसान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंसान इस स्नेक को मारना चाहता है एक डंडी से। ये जो स्नेक है ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक इंसान भाग रहा है इसको मारने के लिए, और वो भी एक डंडी से, मतलब एक स्टिक से, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है परसुइंग मतलब किसी को भी फॉलो करना, किसी का पीछा करना। चेजिंग और फॉलिंग मतलब किसी का पीछा करना। तो यहाँ पे जो एक इंसान है वो क्या कर रहा है? इस स्नेक का पीछा कर रहा है इसको मारने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब ये जो स्नेक है जो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? क्रॉल करता है, रेंगता है। और जब ये रेंगता है तो इसकी जो पूरी बॉडी है वो क्या करती है? ट्विस्ट करती है, ठीक है। और ट्विस्ट करते करते ये आगे बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें पोइट नोटिस कर रहा है, पोइट देख रहा है कि एक सांप आगे बढ़ रहा है रेंगता हुआ, और उसके पीछे एक इंसान एक डंडी लेके उसके पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। ये कौन देख रहा है? ये पोइट देख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब जब पोइट सांप को रेंगते हुए देखता है तो वो कहता है कि जब सांप रेंग रहा है, जब सांप ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो ये कहना चाहता है हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। वो कहना चाहता है कि जब पोइट सांप को रेंगते हुए देखता है तो वो देखता है कि जो उसकी बॉडी है, जब उसकी बॉडी मूव कर रही है, जब उसकी बॉडी रेंग रही है, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था मीनिंग इस फर्स्ट पैसेज का। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब फर्स्ट स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक दैट इज फॉलोइंग इट। एज द स्नेक क्रॉल्स, इट्स बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स, फॉर्मिंग फैसिनेटिंग शेप्स। अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस, अब समझते हैं। द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक दैट इज फॉलोइंग इट। अब क्या है? जो स्नेक है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है उस स्टिक से जो उसका पीछा कर रही है उसको मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए। जो स्नेक है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है उस स्टिक से जो उसका पीछा कर रही है उसको मारने के लिए। एज द स्नेक क्रॉल्स, जैसे ही जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, क्रॉल करता है, जैसे वो रेंगता है। इट्स बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स। आपने देखा होगा जब भी कोई स्नेक मूव करता है, जब भी कोई स्नेक रेंगता है तो वो ऐसे रेंगता है, मतलब उसकी जो बॉडी वो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, फॉर्मिंग फैसिनेटिंग शेप्स। अब जब कोई सांप, जब ये जो सांप है जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहा है तो जब उसको पोएट देख रहा है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मतलब जब वो ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहा है, मतलब जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, जिस तरीके से वो रेंग रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइज अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। He glides through the water away from the stroke, or let him go over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless even to children. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइज अब सेकेंड स्टैंजा समझते हैं। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, उस सांप का पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए, वो क्या करता है, वो जोर से अपनी स्टिक को पटक कर मारता है पानी में। जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग उसका पीछा कर रहा है उस सांप का, उसको मारने के लिए, वो ज़ोर से उस स्टिक को पटक कर मारता है पानी पर। अब इस चीज़ को सुन के जो सांप है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, पानी पर ग्लाइड करता है, पानी पर मूव करता है। क्या करता है, पानी पर मूव करता है, जिससे वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, समझ में आया? आगे समझते हैं। अब ये जो पोएट है ये रिक्वेस्ट करता है उस ह्यूमन बीइंग से जो इस सांप का पीछा कर रहा है इसको मारने के लिए, और कहता है प्लीज़ इस सांप को जाने दो, प्लीज़ इस सांप को जाने दो। ये जो पानी के पौधों के बीच में जो सांप है इसको नुकसान मत पहुंचाओ, कि क्योंकि ये जो सांप है ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सांप है, ये ग्रीन स्नेक है, ये बिल्कुल हार्मलेस होता है और ना ही ये किसी भी बच्चे को हार्म पहुँचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है ये कहना चाहता है कि प्लीज़ इसको जाने दो, इसको कष्ट मत दो, ये बहुत छोटा स्नेक है, ये किसी को भी हार्म नहीं करेगा, ये बिल्कुल हार्मलेस होता है और ये बिल्कुल भी खतरा नहीं बनेगा किसी भी बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले स्टैंजा का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब सेकेंड स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द स्नेक्स मूव थ्रू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ। द पोएट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप एंड हाइड बिहाइंड द थिक मार्शी प्लांट्स एज इट इज हार्मलेस। द स्मॉल ग्रीन कलर्ड स्नेक इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइज अब समझते हैं। द स्नेक्स मूव्स थ्रू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ। जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए पानी में चले जाते हैं, पानी में आ जाते हैं। द पोएट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप एंड हाइड हिम बिहाइंड द थिक मार्शी प्लांट्स एज इट इज़ हार्मलेस। अब जो पोएट है वो विनती करता है उस ह्यूमन बीइंग से, जो पोएट है वो विनती करता है उस ह्यूमन बीइंग से और कहता है कि प्लीज़ इस सांप को जाने दो, प्लीज़ इस सांप को भागने दो और इसको घने दलदली पौधों के पीछे छिप जाने दो, जिससे ये अपने आप को बचा सके, क्योंकि ये जो सांप है ये बहुत ही हार्मलेस है, ये बिल्कुल भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। द स्मॉल ग्रीन कलर्ड स्नेक इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये जो छोटा ग्रीन कलर का जो ये स्नेक है ये बिल्कुल हार्मलेस है, मतलब ये बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा किसी भी बच्चे को। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टैंजा देखते हैं। चलिए गाइज अब लास्ट स्टैंजा रीड करते हैं इस पोएम का। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही वेनिशेस इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स। समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए गाइज अब इसको समझते हैं। चलिए गाइज अब समझते हैं कि थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है। पोएट कहता है कि जब तक कोई इस सांप का पीछा नहीं कर रहा था, जब तक किसी ने इसको नोटिस नहीं किया था, जब तक किसी ने इस सांप को ऑब्जर्व नहीं किया था, ये आराम से शांति से लेटा हुआ था उस रेत पर, ये आराम से शांति से लेटा हुआ था उस रेत पर। बट अचानक से जब इस सांप को रियलाइज़ होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है इसको मारने के लिए, तो ये सांप अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो पानी की लहरें हैं, जो ग्रीन कलर के जो छोटे पतले पतले जो डंडी वाले जो मूशी प्लांट्स हैं, जो ग्रीन कलर के पतले पतले डंडी वाले जो मूशी प्लांट्स हैं उनके बीच में जाके ये गायब हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से अपने आप को ये बचा लेता है। तो ये था मीनिंग इस वाले पैसेज का, मतलब इस वाले स्टैंजा का। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। Till it was spotted and chased away by the person holding a stick, it lay quietly in the sand. In order to save itself, the snake disappears in the ripples of the water and hides in the camouflaging green bushes of the marshes plants. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए guys अब समझते हैं। Till it was spotted and chased away by the person holding a stick, it lay quietly in the sand. इसका मतलब है जब तक इस सांप को उस छड़ी वाले व्यक्ति ने स्पॉट नहीं किया था, जब तक इस सांप को उस छड़ी वाले व्यक्ति ने नहीं देखा था, तब तक ये सांप शांति से लेटा हुआ था रेत पर। इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, द स्नेक डिसअपियर्स इन द रिपल्स ऑफ द वाटर। जो ये सांप है, ये जो पानी की जो लहरें होती हैं, उसमें गायब हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए। ये जो सांप है अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, पानी की जो लहरें हैं उसमें गायब हो जाता है। एंड हाइड्स इन द कैमोफ्लाजिंग ग्रीन बुशेस ऑफ द मार्शीज प्लांट, और जो दलदली जो पौधे होते हैं, दलदली पौधे की जो हरी झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे छिप जाता है, क्योंकि इसको अपने आप को क्या करना है, बचाना है उस व्यक्ति से जो इसके पीछे पड़ा हुआ है इसको मारने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो गाइज यहाँ पे ये जो पोएम है ये होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे ये पार्ट होता है ओवर। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने हर एक स्टैंजा को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।